Hi beautiful, welcome back to my channel, welcome back to my new another brand video. So आज का video जो है one of my favorite video है ये अब तक का, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ जो share नहीं की थी वो share करने जा रही हूँ. Guess what? थंबनेल देख के तो समझ में आ ही गया होगा. Yes, definitely. आप जो सोच रहे हो वही collection of my blouses जो मैं ऑनलाइन परचेस की हूँ, एज वेल एज मैं जो स्टिचेस करवाई हूँ मेरे खुद के माइंड सेट से, किस तरह का डिजाइन किस ब्लाउज किस साड़ी के साथ अच्छा कंट्रास्ट के साथ मैच करे और देखने में एकदम ब्यूटीफुल लगे और कभी भी कहीं पे भी पहन सकते हो नो डाउट. कोई भी ओकेशन हो, पार्टी हो, पूजा हो, सत्संग हो, फैमिली फंक्शन हो, कहीं पे भी ये ब्लाउजेस जो मैं आपको दिखाऊंगी वो आप एकदम फ्रीडम से पहन सकते हो. कोई भी ऐसा नहीं डिजाइन मेरे पास है जिसको आप पहनने के लिए हिचकिचाओ या फिर स्टिचेस करवाने के लिए आपको डाउट हो कि मैं इस तरह से पहन पाऊंगी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. बैकलेस भी है, स्लीपलेस भी है, डिजाइनिंग है, सब कुछ है मेरे सारे ब्लाउजेस में. आप देखो मैं आपको वन बाई वन दिखाऊंगी. अगर अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. कार्टून भर के मैं ब्लाउजेस लेके आई हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए. सो फर्स्ट जो ब्लाउज है ये मैंने परचेस किया है ऑनलाइन. यस गाइस, और गेस व्हाट, ये कौन सा एप्स के थ्रू मैंने खरीदा है? मीसो से. सी, पूरा ग्लिटर का काम किया हुआ है, ब्लैक कलर के ऊपर गोल्डन ग्लिटर का काम किया हुआ है. ये ना आउटसाइड में इस तरह से दिख रहा है, इतना जिग-जिग कर रहा है. आप लोग सोचोगे कि ये बॉडी में बहुत ज्यादा खुजली होगा, लेकिन इंटरनल मतलब इनर में ना बहुत ही अच्छा सा अस्त्र दिया है, कॉटन बेस, साथ में पैडेड है. और इसका प्राइस 300 लिया था, जस्ट रुपीज 300. लेकिन हाँ गाइज, ये मैंने आज से 3 साल पहले खरीदा था. आई डोंट नो अभी अवेलेबल होगा कि नहीं, बट आप जाके एक बार चेक कर लेना. मैं यहाँ पे फोटो दे दे रही हूँ, आप ये फोटो का स्क्रीन शॉट ले लो और मीशो में एक बार चेक कर लो. तो बहुत ही ब्यूटीफुल इनहेंस एकदम मस्त वाला लुक, पार्टी वेयर टाइप्स साड़ी के साथ पेयर अप करके आप इस टाइप का ब्लाउज पहन सकते हो. फंक्शन वगैरह के लिए तो परफेक्ट है. स्लीपलेस है, अंदर में ना एक शॉर्ट्स स्लिप के लिए भी दिया गया है कपड़ा. अगर आपको स्लीपलेस पहनना पसंद नहीं है तो आप हाथ को सिलाई कर सकते हो, आई मीन स्टिच कर सकते हो और पहन सकते हो, क्योंकि काफी घरों में होता है ना स्लीपलेस अलाउड नहीं होता है. पीछे इस तरह से लेस दिया गया है जो कि बहुत ही सुंदर सा लुक देता है. बगल में मैं अटैच कर दूंगी इस ब्लाउज को, किस साड़ी के साथ मैं पहनी हूँ ये मैं फोटो यहाँ पे अटैच करी, आप देख लो. तो यस, ये रहा नंबर वन ब्लाउज, इनका ब्लाउज जो कि मैं खरीदी थी गड़ियाहाट से. मेरे घर के 10 मिनट दूरी पे है ये मार्केट, जहाँ पे व्हाट आई एम सेइंग लाइक मतलब क्या ही बोलूं मैं, इतना सुंदर सुंदर डिजाइन वहां मिलता है. और गर्ल्स लोग का तो इतना ज्यादा रश रहता है हमेशा. आप लोग अगर कोलकाता के बाहर से देख रहे हो मेरे इस वीडियो को, तो अगर कभी भी कोलकाता में आओ ना, डेफिनेटली गड़ियाहाट जाना. गड़ियाहाट में आपको ब्लाउजेस का कलेक्शन बहुत ही रैंडम मिलने वाली है, यूनिक से यूनिक मिलेगा. हर दुर्गा पूजा में अलग अलग आता है, प्राइस बहुत ही रिजनेबल मिलती है. तो ये मैं ली थी मेरी बेटी का 2 साल बड़ा बर्थडे में, जो मेरी सासू माँ मुझे गिफ्ट की थी. ग्रीन कलर का साड़ी जिसमें ऑरेंज कलर का कॉन्ट्रास्ट उसमें डिजाइन था, तो मैंने इसको पेयर अप किया इस टाइप का ब्लाउज के साथ, जो कि ऑरेंज के ऊपर गोल्डन जरी का काम किया हुआ है, एज वेल एज यहाँ पे सूता का भी काम किया हुआ है. इसमें भी सेम एज वेल पैड दिया हुआ, अभी का जितने सारे ब्लाउजेस आते हैं सब में पैड रहता है, तो अलग से आई डोंट थिंक सो कि ब्रा अंदर में पहनना क्या जरूरत पड़ता है. तो यस, मैं तो इस तरह का ब्लाउजेस बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और बहुत ही कंफर्टेबल होती है. पीछे का डिजाइन दिखा रही हूँ, देखो कितना सुंदर सा डिजाइन है, एकदम डीप नेक मस्त वाला विथ लेस. सेम आपको अगर लूज होगी तो आप लेस से टाइट कर सकते हो आपके बैक को. और फ्रंट पे है लो नेक जो कि ब्यूटीफुल डिजाइन दे रही है. यहाँ पे भी सेम है, इस ब्लाउज को साड़ी के साथ पहनी थी जो, उसका पिक्चर अटैच कर दे रही हूँ, आप देख लो किस तरह लग रहा है. और अगर आपको पसंद आए तो आप गड़ियाहाट में वो चेक कर लेना, अगर मिले तो ले सकते हो. मैं यहाँ पे दे दे रही हूँ, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो, अगर पसंद आए तो आप खरीद लेना. इसका प्राइस लिया था थोड़ा सा ज्यादा, 500 लिया था, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अंडर 500
से लेके 500 तक का ब्लाउज मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। और भी बहुत सारे ब्लाउजेस मेरे पास है, वो सब बाद में दिखाऊंगी। फिलहाल जो अंडर 500 के है वो सब ब्लाउज मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये रहा सेकेंड वन ऑफलाइन से खरीदा हुआ अगेन, जो कि इतना सुंदर है गाइज, मतलब एक ही बार मैं पहनी हूँ, लेकिन मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मुझे ये ऑनलाइन मिल गया। आई मीन मैं काफी ऑफलाइन में देखी थी, और लेकिन मुझे जिस तरह से मेरे दिमाग में था वो डिजाइन, मैं सोच ली थी कि स्टिच करवाऊंगी, लेकिन मुझे ऑनलाइन मिल गया, तो इसलिए मैंने और स्टिच भी नहीं करवाया। सी इसका जो कलर है यार, क्या ही बोलू, मतलब क्या ही बोलूं, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, मतलब इतना सुंदर एंड सोबर कलर है। सी सी मैं भी उतारती हूँ हाँ, अपने। थ्री क्वार्टर स्लीव्स के साथ सेम यूजल गोल्डन जरी विथ गोल्डन सूता का काम किया हुआ है, थ्रेड का काम किया हुआ है, और इनर में पैडेड दिया हुआ है, फ्रंट नेक वी है, एंड वेस्ट का डिजाइन देखो एकदम, तब क्या ही बताओ, थीन और नीट क्लीन, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये ऑनलाइन से मैं खरीदी हूँ, मतलब क्या ही बताओ, बहुत ही सुंदर सा ब्लाउज मुझे मिला था, और मैं एकदम वेट नहीं करके खरीद ली थी। बैक का डिजाइन देखो, पीछे मैं आपको दिखाती हूँ, हुप्स को लगा के दिखाती हूँ। तो ये रहा मेरा थर्ड ब्लाउज का डिजाइन, आप इसको स्टिच करवा सकते हो, फ्रंट पे इस तरह से है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको इस तरह से स्टिच करवाना है अपने ब्लाउजेस को, थ्री क्वार्टर स्लीव्स के साथ बैक डिजाइन, पीछे लेस का काम किया हुआ है, और फ्रंट पे वी नेक किया हुआ विद पैडेड। ओके सो थर्ड ब्लाउज मैंने आपको दिखा दिया जो मैंने ऑनलाइन खरीदा था। फोर्थ में दिखाऊंगी एक बंगाली लुक का, मतलब एक बंगाली लुक के लिए परफेक्ट है ये ब्लाउज जो मैंने ऑफलाइन खरीदा था। ये जो मार्केट है ये है जादवपुर, हमारे घर से इसका डिस्टेंस से मिनिमम 15 मिनट्स होगा। हाँ सेम गरियाहाट और जादवपुर का डिस्टेंस सेम है। और ये जो ब्लाउज है ये व्हाइट कलर के साथ और रेड कलर के साड़ी के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा, अगर आप बंगाली लुक करना चाहते हो अष्टमी पूजा के लिए, परफेक्ट है एकदम। और ये तो मुझे बहुत ही पसंद आया था, अगला बार दुर्गा पूजा में मैं खरीदी थी ये वाला ब्लाउज, रेड कलर का सूता से काम किया, ओवरऑल व्हाइट कलर का है, और इसमें डॉट डॉट करके पीछे डीप वी नेक है, स्लीपलेस है, मेरे सारे ब्लाउजेस आपको स्लीपलेस दिखेगा, सेम यूजल लेस विथ पैड, अगर आपको इस तरह से स्टिच करवाना है, अगर आप कहीं और से देख रहे हो आपको वहां पे अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन और ऑफलाइन में इस मार्केट में नहीं मिलती है, तो आप इस तरह से ब्लाउज स्टिच कर सकते हो। तो आप ये फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट इसका ले लो, किस तरह से आप स्टिच करोगे, व्हाइट कपड़े के ऊपर रेड का डिजाइन किया हुआ है विथ पैडेड सी, एंड ये रहा बैक का डिजाइन। फोर्थ ब्लाउज मेरा हो चुका है, ये बेसिकली कॉटन साड़ी के ऊपर ज्यादा अच्छा लगेगा। रिसेंटली मैंने परचेस किया है मीशो से रेड कलर का स्लीपलेस ब्लाउज जो कि एकदम रिजनेबल प्राइस में मुझे मिला है, मैं पान का जो डिजाइन होते हैं ना पान डिजाइन किया हुआ है, और रेड के ऊपर जरी का काम किया हुआ है, चमक रहा है पूरा एकदम। तो ये आप बेसिकली कोई भी ब्लू कलर, येलो कलर, व्हाइट कलर, कोई भी कलर के साड़ी के साथ आप पेयर कर सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्लाउज है, मीशो पे अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर लेना, लिंक देख के मेरा, नीचे बहुत सुंदर सा डिजाइन किया हुआ है, वेस्ट के यहाँ पे खूब सुंदर सा छोटा छोटा बॉल्स किया हुआ है। तो ये रहा फ्रंट डिजाइन अगर आपको स्टिच करवाना है इस टाइप का ब्लाउज, और ये रहा बैक डिजाइन। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट, फिर मैं ऑनलाइन दिखाती हूँ, ये भी ऑनलाइन से परचेस की हूँ, जो कि काफी लोगों को ये ब्लाउज मेरा पसंद आया था, और ये मैं पहनी भी हूँ मोस्टली वन टाइम आई थी। हाँ तो ये एकदम फ्लॉलेस ब्लाउज है, और इसका जो स्लीप में काम किया हुआ है ये एकदम अलग ही लेवल लग रहा था जब मैं पहनी थी, बहुत ही अच्छे से लाइट से साड़ी के साथ अगर आप इस तरह का हेवी ब्लाउजेस वेयर करते हो तो आप बहुत ही अच्छे लगने वाले हो देखने में। तो ये नेवी ब्लू कलर के ऊपर गोल्डन कलर का जरी का काम किया हुआ है, बहुत ही देखने में हेवी अगर लग रहा है बहुत लाइट, पैडेड है, फ्रंट पे नीट है, और बैक में है राउंड नेक, और सेम यूजर लेस, लेस इसीलिए अच्छा होता है कि हमारे पीछे अगर लूज होता है तो आप टाइट कर सकते हैं, और इसमें भी सेम हुप्स है, लेकिन सबसे मेन जो पार्ट है इसका स्लीव जो कि ब्यूटीफुल एकदम लुक देगा अगर आप
कुछ भी साड़ी के साथ वेयर कर सकते हो, रेड व्हाइट सी, है ना, एकदम अलग सा लेवल लगता है। लाइक पार्टी फंक्शन के लिए परफेक्ट है, बर्थडे पार्टी हो या कोई भी ओकेशन हो, शादी हो या फिर कोई भी संगीत का फंक्शन हो, आप अगर इस तरह का साड़ी नॉर्मल सा अगर पहनते हो और ब्लाउजेस हैवी पहनते हो तो आपका लुक को पूरा कंप्लीट कर देती है इस टाइप की ब्लाउजेस। और ये भी शायद मैं मीशो से ही खरीदी थी, जो ब्लाउज है मेरे पास ये ऑफलाइन परचेस की थी। और ये साड़ी मेरे पास था स्काई ब्लू कलर का, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं ब्लाउज कैसा पहनूं, तो इसीलिए मैं ये वाला ऑफलाइन खरीद ली थी। लो राउंड नेक और बैक में है डीप राउंड नेक विद हूप्स पैडेड लेस सेम एंड शॉर्ट स्लीव्स के साथ है। तो ये भी मैं एक बार ही पहनी हूँ, साड़ी तो वैसे भी बहुत कम पहनती हूँ इसीलिए ब्लाउजेस का स्टॉक बहुत ज्यादा है। अगर फिर एक बार कभी पहनूंगी तो मैं जरूर दिखाऊंगी। फिलहाल यहाँ पे ये फोटो अटैच किया हुआ है ब्लाउज के साथ, साड़ी कैसा लग रहा है। एक और सिंपल सा गोल्डन कलर का ब्लाउज आपको दिखाऊंगी। इस टाइप का ब्लाउज अगर आपके पास है आप कोई भी साड़ी के साथ वेयर एकदम फ्रीली कर सकते हो, कोई भी हिजक के बिना किसी भी साड़ी के साथ आप जा सकता है। यहाँ पे लो राउंड नेक के साथ है डीप राउंड नेक, पीछे का भाई थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखे तो कैसा लगता है, फ्रंट तो कैसे भी चल जाए कवर रहता है लेकिन पीछे का थोड़ा सा अच्छा लगना बेटर होता है ना। तो पीछे भी सेम है, लेस है, मुझे ना डीप नेक ना पीछे वाला बैक अच्छा लगता है और सेम है स्लीपलेस। एक और मस्त वाला ब्लाउज का कलेक्शन दिखाती हूँ, पिंक कलर का घटी स्लीव्स के साथ, घोटी हाथा जानो बंगाली ते बोले जाके, तो ये ही है वो घटी हाथा देवदास में जो पारो ने पहना था, लाइक वैसा ही सेम ब्लाउज है मेरे पास, पिंक कलर का वीनेक के साथ बैक में डीप वीनेक विद स्लीव एंड पैड रैंडम कलर, एकदम मस्त वाला स्क्रीनशॉट ले लो, इस तरह का स्लीवलेस आप स्टिच करवा सकते हो। एक और ऑनलाइन ब्लाउज मैं आपको दिखाऊंगी, ये मोस्ट वायरल ब्लाउज है, पता नहीं आप लोगों के पास ये है कि नहीं, लेकिन बहुत ही सुंदर सा है, पूरा एकदम मिरर का काम किया हुआ है, लेकिन ये मिरर बहुत बॉडी में गड़ता है, एक बार ही पहने हो एकदम खतरनाक गड़ता है, मतलब गड़ जाएगा तो कट जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये ब्लैक कलर के ऊपर मिरर का काम किया हुआ है, हेवी विद ब्लैक जरी, ये ऑनलाइन मैंने परचेस किया था। एक ब्लाउज मैं अभी आपको दिखाऊंगी जो मैंने स्टिच करवाया था अपने दिमाग से, मतलब अपने कॉन्सेप्ट से, पहले मैं बैग दिखाती हूँ सी। तो ये रहा बैक का डिजाइन ब्लाउज का मेरा, और ये रहा फ्रंट डिजाइन, टॉप्स के तरह है पूरा, इसका यहाँ पे फोटो मैं अटैच कर दे रही हूँ इस साड़ी के साथ। ये ब्लाउज तो ये भी मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन साड़ी में हार्डली एक बार ही पहनी हूँ। एक और ब्लाउज दिखाती हूँ जो मैंने स्टिच करवाया था बनारसी साड़ी के लिए, सिल्क बनारसी साड़ी जो आती है उसके लिए, मैं हूप से यहाँ पे अटैच कर दे रही हूँ ताकि आपको डिजाइन तो समझ में आए मैंने जो स्टिच करवाया था वो किस डिजाइन का है। ये मैं दो बार पहनी हूँ और एकदम सुंदर सा पिंक कलर का, बेबी पिंक कलर का ब्लाउज विद बनारसी जरी का काम किया हुआ है, फ्रंट में है राउंड नेक और बैक में है डीप नेक विद स्लीपलेस एंड स्लीव एकदम पतला वाला जो होता है ना साइड पे, मैं अभी पहनी हूँ इस टाइप का स्लीव है ये, और साड़ी के साथ तो मस्त लगता है, एकदम मस्त जबरदस्त लगता है। उसके बाद एक और ब्लाउज है जो कि मेरा ऑनलाइन खरीदा हुआ है, सेम ये ब्लाउज और ये ब्लाउज हूबहू एक जैसा लगता है लेकिन एक जैसा नहीं है, दोनों में बहुत फर्क है। इसका वेस्ट में सुंदर से काम किया हुआ है लेस का और झालर दिया हुआ है और इसका डिजाइन पान डिजाइन है, फ्रंट पे स्लीपलेस है, बैक इस तरह का डीप है, लेस है, हुप्स है, पैडेड है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको अगर स्टिच करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, वेस्ट में इस तरह का लेस लगा सकते हो। तो ये था कुछ ब्लाउजेस का डिजाइन, अभी भी बहुत है भाई, अभी तो मैंने सिर्फ पार्ट वन में थोड़ा सा ही दिखा लिया, अभी पार्ट टू पार्ट थ्री अगर आएगा तो आप पागल हो जाओगे। फिलहाल इतना ही देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर अच्छा लगे तो स्टिच करवाओगे तो मुझे डेफिनेटली कमेंट करना, पहन के मुझे टैग करना, इंस्टाग्राम आईडी है पिंकी परिदा, फेसबुक आईडी सेम पिंकी परिदा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा कलेक्शन ब्लाउजेस का। तो चलो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, lots of love.